सो गाइस, आज किस वीडियो का टॉपिक है कि बोटिम एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे किया जाता है। सो गाइस, बोटिम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। सो आपका मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। सो गाइस, अगर आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक से क्लिक करके डायरेक्ट बोटिम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बोटिम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। सो फिर ऊपर के आपको सर्च फॉर एप्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो फिर सर्च फॉर एप्स के अंदर बोटिम टाइप करने के बाद राइट साइड से नीचे कर आपको सर्च आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर के आप देख सकते हैं बोटिम एप्लीकेशन और राइट साइड से ऊपर के आप देख सकते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटिम एप्लीकेशन लोडिंग हो रहा है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटिम एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद बोटिम एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटिम एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद बोटिम एप्लीकेशन इस मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो चुका है। सो इसी तरह से बोटिम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बोटिम एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है। सो मोर इन्फॉर्मेशन, मोर सॉल्यूशन, बेटर टेक्नोलॉजी।